हम यहाँ कुछ भी करें, तुमसे मतलब? अगर मतलब ही समझना है तो तुम्हारी इतनी मीनिंगफुल लाइफ से शुरू कर सकते हैं। पर क्या है कि मुझे बच्चों पर अपना टाइम वेस्ट करना पसंद है। तो डूड, तुम अपना टाइम मेरे साथ स्पेंड कर। ये इनविटेशन है या धमकी? जो समझो। इनविटेशन में इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, और धमकी मुझे कोई देता, इसीलिए तुम मुझे मेरे रास्ते जाने दो। हे डूड, यही तो प्रॉब्लम है, तुम्हारा रास्ता मुझसे होकर निकलता है। क्यों, तुम नूपुर भूषण को जानते हो? वो आज कॉलेज नहीं आई है। अगर मिले तो उसे कहना उसे राज ढूंढ रहा है। हे डूड, यहां का पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम थोड़ा खराब चल रहा है। यानी हम थोड़े खराब चल रहे हैं, तो तुम्हें जिसको ढूंढना खुद ढूंढना। राइट, चिल्लाओ, पूछो या गाना गाओ। अब बीट एक्चुअली आई डोंट माइंड गाना, इनफैक्ट आई लव गाना, लेकिन अगर कोई और गाए तो। हे गाइस, गाइस, अटेंशन गाइस, लगता है कॉलेज में न्यू स्टूडेंट आया, पर इस न्यू स्टूडेंट को हम इतनी आसानी से अंदर कैसे आने दें? इसको ये तो प्रूफ करना ही होगा कि ये एक्सेल के लायक है। राइट गाइस, राइट। तो कहां से आए हो तुम? मेरा मतलब है, इससे पहले कौन से कॉलेज में थे तुम? इंदौर डिस्ट्रिक्ट कॉलेज। तुमसे मिलके खुशी हुई। मैं इस कॉलेज की कल्चरल सेक्रेटरी हूँ, पीएम। कुछ खास पसंद नहीं आया। क्या? इस कॉलेज का कल्चर बदलना होगा। कल्चर बदल देंगे, पर इससे पहले तुम्हें हमसे मिलना होगा। वो बॉय हो या गर्ल, तुम्हें उसे ये रोज देना होगा। और हाँ, उसके लिए अच्छा सा गाना भी गाना होगा जो उसके दिल को छू जाए।
दग है तो हम बच्चों को माफ भी कर सकते हैं। और मैं भारी हूँ। क्या? I mean, मैं तुम्हें बहुत भारी लग रही होंगी ना? इस वक्त तो मेरा दिल हर क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर दे रहा है, मिस। What? Why not? मेरे नाम में कुछ गड़बड़ है क्या? बिल्कुल नहीं, मैं तब से सिर्फ तुम्हें ही तो ढूंढ रहा हूँ। बताया नहीं तुम्हारा डबल रोल है? मुझे भी नहीं पता था। हाँ यार, ये तो अपनी कस्टम मेड नुपुर को साथ में लेके घूमता है। फ्लर्ट कर रहे हो? जो लड़का मिलता है यही कहता है कि 7 जन्मों से तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। 7 जन्मों की गारंटी तो मैं दे नहीं सकता, पर पिछले 1 घंटे और 7 मिनटों से तो मैं नुपुर को ही ढूंढ रहा हूं। तुम शायद मुझे अधिराज नहीं बबलू के नाम से जानती हो। और जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं वो मुझे राज बुला सकते हैं। इस पनपती हुई लव स्टोरी को यहीं रोकना होगा।
यानी हमें मुगले आजम पार्ट टू में एम्बो का काम करना होगा। मेरे पास एक प्लान है पेंजी। यार मैं क्या तुसी ने छा गए एकदम, क्या डांस किया, क्या गाना गाया, हाय 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 हाय, वेरी इंप्रेसिव यार, वेरी इंप्रेसिव। अब देखो तुमने नाच गाना कर ही लिया है तो हम ऑब्वियसली फ्रेंड्स हो गए यार, फ्रेंड्स। और इधर एक बार जो हमारा दोस्त बन जाता है ना, फिर हम उसकी हेल्प करने से कभी नहीं चुकते, नेवर। बिल्कुल बिल्कुल। देखो आदिराज, तुम इस कॉलेज में नए आए हो और तुम्हें कुछ फॉर्मेलिटीज है जो पूरी करनी पड़ेगी। एक टीचर है मिस व्यास करके, तुम्हें उनसे मिलना पड़ेगा। हम लोग लाइब्रेरी जा रहे हैं, हम तुम्हें वहां तक छोड़ देंगे। क्यों? पढ़े आफ्टरनून। अच्छे चांस पे डांस नहीं करेंगे तो ऊपर वाले डूड से बहुत पिटेंगे। चश्मे चौक कैंडी, तुम लोग आगे जाओ, तब तक नुपुर और मैं आगे का प्लान बनाते हैं। ओके? ये हमारा कॉलेज है। हाँ हाँ, ये बेंच है। ये पौधा है। किसी ने मेरा बॉडीगार्ड अपॉइंट किया। नहीं तो ये तुम लोग क्या कर रहे हो? देखो हम तो तुम्हें मिस व्यास के पास लेके जा रहे थे। Being good old students of this college, हम तुम्हारी मदद कर रहे थे और तुम ओके इंसुलेट उदय। हाँ एग्जैक्टली। अब उदय क्या करेगा? बेंजी वैसे ये मिस व्यास कौन है यार? सॉरी उदय मेरे भाई, मेरे दोस्त। तुम मिस व्यास को भूल गया जिन्होंने अभी अभी न्यू एंट्री मारी है कॉलेज के ऑफिस में? अच्छा वो मिस व्यास। यार तुझे कोई बचपन में सदमा लगा था? एनी काइंड ऑफ शॉक, ट्रॉमा? नहीं, क्या है ना, नॉर्मली लोग अपनी मेमोरी भूल जाते हैं, तेरी एक्स्ट्रा हो गई है। वो अपने दिमाग में कैरेक्टर्स को क्रिएट कर रहा है यार। और यार मैं तो कहता हूँ अगर क्रिएट करना ही है तो मिस व्यास बन, कोई अच्छी सी हॉट सी लड़की क्रिएट कर, यू नो, गॉर्जियस। तेरा मेरा दोनों का भला हो जाएगा। अरे यार डूड, तू भूल गया, मिस व्यास बिल्कुल हॉट है। Really? Really? Oh! Oh! Sorry. अब बेंजी मेरी गलती नहीं है यार, अब मैं क्या करूँ? You know इस कॉलेज में इतने नए नए लोग आ गए हैं। अधिराज, वो मिस व्यास और न्यू नुपुर। मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ, पता है पुराना फील करने लगा हूँ यार। We are outdated. Dude, तेरे रिटायर होने का वक्त आ ही गया है। Really? सच्ची कह रहा हूँ। तो तुम लोग नुपुर को जानते हो? Of course. पर वो इस कॉलेज में न्यू तो नहीं है। अब मैं जवाब दूं? देता हूं। देखो अधिराज, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन सी नुपुर की बात कर रहे हो? कौन सी नुपुर? क्या मतलब?